हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजा क्रिकेट प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप 2023 के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे मैच नंबर 9 के बारे में कि ये मैच कौन जीतेगा। ये जो मुकाबला है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। ये इस वर्ल्ड कप 2023 का 9वां मुकाबला है। 8 मैच हो चुके हैं कंप्लीट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन जीतेगा ये मैच, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखें, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, 4 से 5 मिनट आपके लूंगा। इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बाकी जिन भाइयों ने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, जाकर ज्वाइन कर लो। हमारा काम देखो, आपको मजा आ जाएगा। किसी भाई को टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 84 47 93 57 97, 8447935397। स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो। इस पर भी आप हमें मैसेज करके टेलीग्राम का लिंक ले सकते हो। तो ये जो मुकाबला है 11 अक्टूबर को खेला जाएगा 2023 में। इसका जो टाइम रहेगा दोपहर 2 बजे से रहेगा। इसका जो वेन्यू रहेगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, यानी दिल्ली में ये मुकाबला खेला जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में कि भी पिच रिपोर्ट क्या कहती है। तो पिच रिपोर्ट जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पिच रिपोर्ट से ही आपको सारी चीजें समझ में आती है कि पिच किस तरीके से बिहेव करेगा, कैसा विकेट है, ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले दिल्ली की पिच के बारे में जान लीजिए। अभी इसमें ओडीआई 27 मुकाबले खेले गए हैं, 27 जिसमें फर्स्ट बैट ने 13 जीते हैं, सेकंड बैट ने 13 जीते हैं, यानी बराबरी का मुकाबला है। एक मैच टाई रहा है इस वाले वेन्यू पर। एवरेज स्कोर की बात करें 235 रन है, यानी बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रिकी विकेट रहती है। पूर्व में ऐसा होता था, लेकिन अभी तो फॉर्मेट क्रिकेट का चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा तेज बल्लेबाजी करते हैं लोग, तो एक अच्छा स्कोर बन जाता है। शॉर्ट बाउंड्रीज रहेंगी तो बल्लेबाजों को हेल्प मिलेगी। जो बल्लेबाज टिक कर खेलेगा, देख कर खेलेगा, वो आराम से हिट करके आराम से बाउंड्री कर सकता है। पिच स्पिनर को फेवर करेगी। तो दोनों ही टीमें, अफगानिस्तान के पास भी 2-3 स्पिनर हैं और इंडिया के पास ऑब्वियसली 3 हो गए, जडेजा, अश्विन और कुलदीप यादव, तो बहुत स्पिन अटैक अच्छा रखेंगी। और ऑब्वियसली इंडिया अफगानिस्तान के जितने मुकाबले अभी तक हुए हैं वो इंडिया ही जीता है, चाहे वो मोस्टली T20 रहा हो या फिर वनडे रहा हो। तो दिल्ली पिच इज एन आइडियल पिच फॉर बैट्समैन। ये बैट्समैन के लिए अच्छी विकेट है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी है, तो बैट्समैन को यहाँ पर संभल के खेलना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पास्ट रिकॉर्ड्स की, कि पुराने रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। देखो, पास्ट रिकॉर्ड्स इन दोनों टीमों के अभी तक टोटल ओडीआई के 3 मैच खेले गए हैं, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के, जिसमें 2 मैच इंडिया ने जीते हैं, अफगानिस्तान ने एक भी नहीं जीता है। एक मैच इनका टाई हुआ था, ठीक है ना, 245-248 के बराबर दोनों ही टीमों ने स्कोर किया था, वो मैच टाई रहा था ओडीआई, ठीक है। तो ये हो गई इनकी पिच रिपोर्ट और पुराने रिकॉर्ड्स के बारे में। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्लेइंग 11 के बारे में। देखो, प्लेइंग 11 जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग ड्रीम 11 पर टीम वगैरह बनाते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती है कौन खिलाड़ी बीमार है, कौन सा क्या है, कौन खेल सकता है, नहीं खेल सकता है। तो वो चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ उस वीडियो में। सबसे पहले प्लेइंग 11 पर हम चलते हैं इंडिया की तरफ, ठीक है, इंडिया की तरफ चलते हैं। रोहित शर्मा, ईशान किशन ओपनिंग करेंगे। अभी शुभम गिल का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अभी रिकवर नहीं हो पाए हैं। सीधी सीधी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच में खेलेंगे, जो कि सैटरडे को शायद मुकाबला है, तो अभी वो आराम कर रहे हैं और बीमार है। वन डाउन विराट कोहली, श्रेयस अय्यर आएंगे दूसरे नंबर पर, फिर आएंगे केएल राहुल, तो ये इनकी टीम है। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, यानी 7 नंबर तक बल्लेबाजी लेकर खेल रहे हैं ये लोग। अब बॉलिंग पर आ जाइए, रविचंद अश्विन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। देखो, बॉलिंग बहुत अच्छी कराई थी पिछले मैच में जसप्रीत बुमराह से, चाहे कितना भी टाइम बाद वापसी करी हो जसप्रीत बुमराह ने, लेकिन वे एक अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, जो कि एक भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारी टीम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के रहमुल्ला गुरबाज हैं, इब्राहिम जादरान हैं, रहमत सहा, ये दोनों के ओपनर हैं। ओपनर अच्छे हैं दोनों इनके, जादरान फॉर्म में नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं ओडीआई के। रहमत सहा हैं शहीदी हैं, कप्तान हैं इनके, और नजीबुल्ला जादरान हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, 5 नंबर पर खेलने आते हैं। मोहम्मद नबी हैं, तो ये 6 नंबर तक इनके पास बल्लेबाजी है। बल्लेबाजी तो 8 तक है, क्योंकि राशिद खान भी बल्ला घुमा लेते हैं, ऑलराउंडर हैं, और अजमतुल्लाह उमर जई, ये भी इनके ऑलराउंडर हैं, तो इनके पास भी बल्लेबाजी है यूनिट। लेकिन इंडिया से इसकी कंपेयर करे जाए तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि इंडिया के जीतने के चांस 99% रहेंगे। मुजीबुर्रहमान स्पिनर, फास्टर नवीन उल हक और फजल हक फारूकी, ये इनकी बॉलिंग यूनिट है। तो काफी देखो, दोनों की बॉलिंग प्लस बैटिंग अच्छी है। अफगानिस्तान का मुकाबला अगर किसी और टीम से होता, हम कह सकते थे अफगानिस्तान का बांग्लादेश से, श्रीलंका से, कि चलो अच्छा होगा, बहुत मजा आएगा कि मैच 50-50% का है, लेकिन यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं कि ये मुकाबला 50-50% का है। इसमें 99% चांस जो रहेंगे हमारी टीम, हमारे देश इंडिया के विन होने के रहेंगे। बाकी कोई भी अपडेट आती है तो टेलीग्राम पर आती है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। और चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।